नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय नेरी शिलोंग एनसीईआरटी से। आप सभी का एनआईएस स्टूडियो में स्वागत है। मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक तेजपुर विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ प्रोफेसर रॉय हैं और आज प्रोफेसर राय हमें बताएंगे अधिगम योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। प्रोफेसर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहेंगे, हम सभी आपसे, कि अधिगम योजना क्या है एवं यह क्यों जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अधिगम योजना बहुत ही आवश्यक है। जब हम शिक्षा का उद्देश्य बनाते हैं तो हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं। जैसे कि हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं, पाठ्यपुस्तक बनाते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण करते हैं, इस तरह से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का जब क्रियान्वयन होना होता है, जब इन सारी चीज़ों को वर्ग में, वर्ग कक्ष में उतारना होता है, बच्चों तक पहुंचाना होता है, उसकी योजना यदि ठीक से नहीं हो तो अधिगम या शिक्षा का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए अधिगम योजना, जिसके तहत बच्चे कैसे सीखें, अधिक से अधिक कैसे सीखें, शिक्षक कैसे अधिक से अधिक सिखाएं, इसकी एक योजना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा देखा गया है विश्व में कि बिना योजना का जो कार्य होता है वह आधा अधूरा ही होता है, कभी पूरा नहीं होता। इसलिए योजना हर कार्य के लिए आवश्यक है। और चूंकि यह तो एक बहुत ही महती कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, जब हम शिक्षा के उद्देश्य बना करके और पाठ्यक्रम बनाकर, सिलेबस बनाकर, पाठ्यपुस्तक बनाकर, सामग्री इत्यादि बनाकर हम तैयारी करके रखते हैं, तो उसको उसके क्रियान्वयन के लिए, उसको वर्ग कक्ष तक पहुंचाने की प्रक्रिया, उसके लिए एक योजना, मुकम्मल योजना बनाने की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि अधिगम योजना एक बहुत ही आवश्यक स्टेप है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में। प्रोफेसर राय, ये अधिगम योजना के अव्यय हम कौन कौन से हैं, कौन कौन से हम अव्यय हैं जिन्हें हम अधिगम योजना के अव्यय कहेंगे? अधिगम योजना के कई पक्ष हैं, कई अवयव हैं। मैं तो मानता हूँ कि अधिगम योजना शिक्षा के उद्देश्य, अधिगम के उद्देश्य ही शुरू होती है। अधिगम योजना को बनाने से पहले शिक्षा के उद्देश्य कितना जानना है, क्या जानना है, कितना जानना है, क्यों जानना है, इन प्रश्नों का जवाब बिल्कुल ही अस्पष्टता के साथ बच्चे और शिक्षक के मस्तिष्क में, अभिभावक के मस्तिष्क में रहनी चाहिए। और इसलिए शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम को ठीक से समझना, यह अधिगम योजना का पहला अवयव है, पहला महत्वपूर्ण अवयव है पाठ्यक्रम, कि हम पाठ्यक्रम की समझ, पाठ्यक्रम की चिंताओं की समझ, पाठ्यक्रम की बातों की समझ एक शिक्षक और एक छात्र को निश्चित रूप से होनी चाहिए। उसी के हिसाब से उसको कैसे पूरा करें, उसके लिए योजना का निर्माण हो सकता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है वह है सिलेबस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिलेबस में पाठ्यक्रम के अंदर की चिंताओं को विषय वस्तु के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिर उस विषय वस्तु को किस रूप में पढ़ाया जाए, उसकी रणनीति भी उसमें परिलक्षित होती है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, आकलन कैसे किया जाए, उनकी उसका उस अप्रोच को भी उसमें बताया जाता है। और सिलेबस एक तरह से पूरे पाठ्यक्रम को ज़मीन पर उतारने की एक योजना ठोस रूप में रहती है। तो अधिगम योजना भी सिलेबस और अधिगम योजना के बीच में एक बहुत ही अच्छा संबंध है, और सिलेबस अधिगम योजना का एक महत्वपूर्ण अवयव है। तीसरा जो और सबसे महत्वपूर्ण
पाठ्यपुस्तक जो कि बच्चों के हाथ में पाठ्यपुस्तक होती है, शिक्षकों के पास भी पाठ्यपुस्तक होती है, टेक्स्ट बुक होता है, बहुत सारे गांव के विद्यालयों में तो यह देखा गया है कि पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र पुस्तक है जो बच्चों के हाथ में प्रायः रहती है, और कभी कभी तो वह भी समय से नहीं मिलती है। और पाठ्यपुस्तक को सही ढंग से उतार देना ही शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने जैसा माना जाता है वहाँ पर, जो कि सही नहीं है, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि पाठ्यपुस्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तु है। तो पाठ्यक्रम को, पाठ्यपुस्तक को किस रूप में पढ़ाया जाए, पाठ्यपुस्तक में दी गई चीज़ों को कैसे ठीक से उतारा जाए कक्षा में, पाठ्यपुस्तक में दी गई चीज़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे सीखा जाए, इसके लिए एक योजना की भी ज़रूरत होती है। तो मैं कहूँगा कि पाठ्यपुस्तक अपने आप में एक खजाना है, और पाठ्यपुस्तक इस रूप में योजना बनाते समय एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको ध्यान में रखा जा सकता है। इसके साथ साथ मूल्यांकन, जैसा कि हम जानते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मूल्यांकन एक सहयात्री है, मूल्यांकन भी योजना का एक महत्वपूर्ण अवयव है। मूल्यांकन को ध्यान में रख करके शुरू से अधिगम, और मूल्यांकन को ध्यान में रख करके ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो सके, इसमें मूल्यांकन को कैसे पिरोया जाए इसका ध्यान रखते हैं, और इसके लिए एक योजना बनाते हैं, शिक्षक और छात्र मिलकर बनाते हैं, और इसलिए मूल्यांकन भी अधिगम योजना का एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिगम योजना के कई महत्वपूर्ण अवयव हैं। अधिगम योजना बनाते समय इन तमाम अवयवों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे जब हम देखते हैं कि इसमें कई संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो उन संसाधनों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन संसाधनों में भौतिक संसाधन, एक विद्यालय में शिक्षक, छात्र और विद्यालय के अंदर बहुत सारी अन्य चीज़ें, विद्यालय के आसपास बहुत सारी अन्य चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जब हम भौतिक साधन की बात करते हैं, विद्यालय में कितनी किताबें हैं, विद्यालय में खेलकूद के कितने सामान हैं, संगीत इत्यादि के कितने सामान हैं, प्लेग्राउंड कैसा है, लैब और अन्य चीज़ों की स्थिति कैसी है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके शिक्षक और छात्र सीखने सिखाने के लिए एक योजना तैयार कर सकते हैं कि जो उपलब्ध संसाधन हैं, भौतिक संसाधन, उसका अधिक से अधिक कितना कैसे उपयोग किया जाए। अधिगम योजना और मानवीय संसाधन, योजना बनाते समय मानवीय संसाधनों का ख्याल रखना भी बहुत आवश्यक है। मानवीय संसाधन एक विद्यालय में क्या हो सकते हैं? मानवीय संसाधन एक विद्यालय में जैसे शिक्षक, जैसे छात्र, या जैसे विद्यालय के बाहर छात्र के गार्जियन, गांव समाज में कोई और भी जानकार व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, ये सब मानवीय संसाधन हैं। लोगों के पास अनुभव है, शिक्षकों के पास अनुभव है, ज्ञान है, बच्चों के पास अनुभव और ज्ञान है, इन सबों से कैसे समन्वय करके सीखा जाए, सीखने के लक्ष्य को पूरा किया जाए, इसकी एक योजना बनाई जा सकती है और एक इसकी योजना बननी चाहिए। अधिगम के लिए मानवीय संसाधन जो उपलब्ध हैं, उपलब्ध मनुष्य, उपलब्ध मानवीय संसाधन को ध्यान में रख करके और योजना बननी चाहिए, इसी को कहते हैं अधिगम योजना, जो मानवीय संसाधनों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। उसके बाद भौतिक संसाधन, विद्यालय में कई तरह के भौतिक संसाधन हैं, वर्ग कक्ष है, प्लेग्राउंड है, खेलने कूदने का सामान है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की किताबें हैं, इन लैबोरेटरीज हैं, इन तमाम चीज़ों का अधिक कैसे प्रयोग करके सीखा जा सकता है, इसकी एक योजना
विद्यालय बनाता है, शिक्षक बनाते हैं और छात्र भी इसके हिसाब से अपने आप को सुनियोजित करके, अपने आप को इसके हिसाब से प्लान करके अधिक से अधिक इन परिस्थितियों से सीख सकते हैं। तो प्रोफेसर रॉय, हमने आपने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि अधिगम योजना के अवयव कौन कौन से हैं। इसी के साथ जो हमारी अधिगम योजना है उसमें दो शब्द हमें सुनने में आते हैं कि यूनिट प्लान, लेसन प्लान या पाठ योजना, तो आपस में यह कैसे संबंधित हैं? जो हमारी पाठ योजना है, यूनिट प्लान है, यह अधिगम योजना से कैसे संबंधित है? जो पाठ्यक्रम है या जो शिक्षा का उद्देश्य है या जो सिलेबस है उसको ज़मीन पर उतारने के लिए वास्तव में हम योजना बनाते हैं, और जो शिक्षक योजना बनाते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह की योजनाएं होती हैं, एक तो जिसे हम यूनिट प्लान कहते हैं और दूसरा जिसे हम पाठ योजना कहते हैं, जो अमूमन विद्यालयों में शिक्षक बनाते हैं और शिक्षक प्रशिक्षण में उन्हें इसका प्रशिक्षण मिलता है कि कैसे आप यूनिट प्लान और पाठ योजना बना सकते हैं, या शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है। यूनिट प्लान में मुख्य रूप से हम उस एक यूनिट को, पाठ्यपुस्तक के किसी यूनिट का प्लान करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं और उसमें यूनिट के मुख्य उद्देश्य को उसमें लिखते हैं और मोटी मोटी बातें, दो तीन बातें हैं यूनिट प्लान के अंतर्गत प्रायः हम लिखते हैं। एक तो यूनिट के मुख्य उद्देश्य क्या है और दूसरा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है और तीसरा इस के लिए क्या क्या संसाधन की आवश्यकता होगी, इसमें कौन कौन से रिसोर्स लगेंगे, और चौथा जो है इसमें मूल्यांकन की क्या प्रविधि, क्या तरीका अपनाया जाएगा। ये तीन चार बातें यूनिट प्लान के अंतर्गत हम रखते हैं। लेकिन जब हम पाठ योजना बनाते हैं, चूँकि एक यूनिट के अंदर कई पाठ आ सकते हैं, तो जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो पाठ योजना में यूनिट को पाठों में विभाजन करके और एक पाठ को पूरी तरीके से उसके उद्देश्य, उसके तात्कालिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य इत्यादि, कई फिर शिक्षक की क्रिया, फिर छात्रों की गतिविधि और मूल्यांकन, ये तमाम चीज़ें पढ़ाने के विधि का मुख्य रूप से उसमें इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को पिरोते हैं। एक पाठ को पूरी तरीके से एक पीरियड में कैसे ख़त्म करना है या दो तीन पीरियड में कैसे उसे ख़त्म करना है, उसकी पूरी योजना पाठ योजना में होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इस तरह से योजना बना करके जब हम यूनिट और पाठ को पूरा करते हैं तो हम उससे जितना बच्चों को हम सिखाने के लिए सोचते हैं या हम एक शिक्षक के रूप में जितना पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हम उसमें अधिकतम हम प्राप्त कर लेते हैं, हम प्रायः सफल होते हैं। तो यूनिट प्लान और पाठ योजना भी एक शिक्षक के लिए, अधिगम योजना के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे शिक्षण योजना ना मान करके मेरी समझ से इसे अधिगम योजना ही मानने की ज़रूरत है। सर, एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है विद्यालय में, जिसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम, क्यूरिकुलम है हमारा, पाठ्यचर्या है, इसके साथ सिलेबस होता है, तो अधिगम योजना से यह कैसे संबंधित है जो हमारा, क्योंकि पाठ्यक्रम तो पूरा स्कूल का जीवन होता है, जो हमारा स्कूल पाठ्यचर्या है, क्यूरिकुलम है और सिलेबस तो सभी केंद्र बिंदु है, तो हमारी जो अधिगम योजना है यह इससे किस तरह से संबंधित है? अधिगम योजना से पाठ्यक्रम और सिलेबस का बहुत ही गहरा संबंध है। जैसा कि मैंने चर्चा में पहले बताया था कि हम किस चीज़ की योजना बनाते हैं, हम योजना बनाते हैं कि हम कैसे सीखें, लेकिन हमें क्या सीखना है ये कहाँ से आता है और कैसे सीखना है यह भी तय है, यह भी तय है, लेकिन हम कैसे इन उद्देश्यों की प्राप्त करें यह हम उसके लिए योजना बनाते हैं। अधिगम की योजना से हम ये
तैयार करते हैं, ये बनाते हैं कि हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन लक्ष्य का निर्धारण पाठ्यक्रम में हो जाता है, पाठ्यक्रम के रूप में हो जाता है, लक्ष्य का निर्धारण सिलेबस के रूप में हम तय कर लेते हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के की योजना दोनों में गहरा संबंध है। लक्ष्य जहाँ पर हमें पाठ्यक्रम से मिलता है, सिलेबस से मिलता है, वहीं पर हम योजना से उसको पूरा करने की रणनीति प्राप्त करते हैं। सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें कि यह हमारे पाठ्यक्रम और सिलेबस से कैसे संबंधित हैं अधिगम योजना। लेकिन इसी के साथ पाठ्यक्रम और सिलेबस के अलावा पाठ्यपुस्तक जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो भी अति महत्वपूर्ण है, तो अधिगम योजना और पाठ्यपुस्तक आपस में कैसे संबंधित है? अधिगम योजना और पाठ्यपुस्तक के बीच में गहरा संबंध है। पाठ्यपुस्तक वास्तव में सिलेबस के आधार पर हम तैयार करते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार करते हैं, और पाठ्यपुस्तक ही ऐसी चीज़ है जिसे हम क्लास में मूलतः पढ़ाते हैं। तो पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ को यूनिट प्लान के तहत और लेसन प्लान के तहत, पाठ योजना के तहत हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि कैसे इसको पढ़ाना है और बच्चों को कैसे सिखाना है, उसकी भी प्लानिंग हम उसमें करते हैं और बच्चे भी उससे सीखते हैं कि कैसे सीखना है, उसमें दिए गए पाठ से कैसे सीखना है। एक पाठ में कई तरह की बातें होती हैं, कई उदाहरण होते हैं, कई शब्द होते हैं, कई चित्र होते हैं, कई प्रश्न होते हैं, कई तरह की गतिविधि उसमें दी रहती है। इन गतिविधियों का, इन प्रश्नों का, इन चित्रों का, इन तमाम बातों का कैसे हम उपयोग करके कैसे उसमें से सीख सकते हैं, कहाँ चर्चा कर सकते हैं, कहाँ दूसरे से सहयोग ले सकते हैं, कहाँ पर खुद पढ़ करके सीख सकते हैं, इसकी एक रणनीति बनाई जा सकती है। उसमें आए हुए शब्दों को कैसे हम सीख सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, शब्दकोश का विकास कैसे हो सकता है, भाषाई विकास कैसे हो सकता है, दूसरे क्षेत्रों में कैसे विकास हो सकता है, ये सब एक उद्देश्य के तहत पाठ्यपुस्तक में दिया रहता है और उसको कैसे आत्मसात करें इसकी एक योजना बनाई जा सकती है। इसलिए और डायरेक्ट योजना पाठ्यपुस्तक से कक्षाई व्यवहार का सीधा सीधा संबंध बनता है, तो इससे डायरेक्ट इसके लिए एक योजना बनाई जा सकती है, इसको जनरली हम यूनिट प्लान और लेसन प्लान के रूप में भी देखते हैं। जी हाँ सर, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि तीनों का संबंध कैसे है, हमारा अधिगम योजना, पाठ्यक्रम और हमारा सिलेबस जो हमारी है और साथ में पाठ्य पुस्तकें, तो आपस में कैसे संबंधित है यह आपने हमें बता दिया। लेकिन इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण है हमारा मूल्यांकन, तो मूल्यांकन अधिगम योजना से कैसे संबंधित है, क्योंकि आजकल तो व्यापक एवं सतत मूल्यांकन की बात होती है, तो हम कैसे अधिगम योजना को मूल्यांकन से संबंधित करेंगे? मूल्यांकन के लिए हमको यह समझना होगा कि मूल्यांकन और अधिगम दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों साथ चलने वाली चीज़ें। जब हम योजना बनाते हैं अधिगम के लिए, तो हमको यह ध्यान में रखना होगा कि मूल्यांकन के लिए भी हम योजना बनाएं, ताकि हम जानते हैं कि मूल्यांकन से हम अधिगम को बढ़ा सकते हैं, मूल्यांकन से हम अधिगम को की गति को बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में एक सहायक क्रिया है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मूल्यांकन साथ साथ हम देखें कि कब करें मूल्यांकन, कैसे करें मूल्यांकन, किन किन चीज़ों का मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन के परिणाम को हम किस रूप में उपयोग करें, इसकी भी एक योजना हमें बनानी पड़ती है अधिगम के संदर्भ में। और इसी लिए अधिगम की योजना बनाते समय मूल्यांकन की योजना बनाने की ज़रूरत है। आपने जैसा अभी हमें बताया कि भौतिक और मानवीय संसाधनों का अधिगम योजना में काफ़ी महत्व है, तो क्या आप इस पर और प्रकाश डालेंगे कि भौतिक और मानवीय संसाधन अधिगम योजना को कैसे प्रभावित करते हैं?
भौतिक और मानवीय संसाधन अधिगम योजना को बहुत ही प्रभावित करते हैं। यदि योजना बनाते समय भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का ध्यान न रखा जाए तो योजना अधूरी रहेगी, ठीक से बन नहीं पाएगी और हम अपने लक्ष्यों को सही समय पर सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन दोनों चीज़ों को ठीक से जी हाँ ध्यान में रख करके ही योजना बनाने की ज़रूरत है। सर, आजकल विद्यालय में रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो और इनकी बातें होती है कि विद्यालयों विद्यार्थी को अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो हम अधिगम का जो रिकॉर्ड है पोर्टफोलियो उसको अधिगम योजना से कैसे संबंधित करेंगे और विद्यार्थी अधिगम योजना से या अपना रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो को किस तरह से जोड़ सकता है? जब हम सीखते हैं तो यह कैसे पता चलेगा कि हम सीख रहे हैं, इसके लिए प्रमाण क्या चाहिए? तो सीखने की क्रिया में दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम अपनी ही सीख से, एक छात्र एक बच्चा अपनी ही सीख से तुलना करके कल यह समझ सकता है कि वह पहले की तुलना में बेहतर हुआ है या पहले की तुलना में वैसा ही का वैसा ही है या पीछे चला गया है। यह तय होता है कि जब आप सभी कालखंडों के प्रमाण साथ में लेकर चलते रहें, आपके पास एक रिकॉर्ड हो, आपके पास एक पोर्टफोलियो हो, छात्र का हो पोर्टफोलियो, शिक्षक का एक रिकॉर्ड हो, एक डायरी हो जिसमें हम तमाम चीज़ों को, सीखने वाली चीज़ों को नोट करते रहें, डेट डाल करके नोट करते रहें, पोर्टफोलियो में चीज़ों को लगाते रहें। जैसे एक सामान्य उदाहरण के द्वारा मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि बच्चे की हैंडराइटिंग को सुधारने का की बात है जी हाँ। तो शुरू शुरू में बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब जब हम जैसे जैसे हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो बच्चों की हैंडराइटिंग में सुधार होते जाता है। तो इस तरह से शुरू वाला एक हैंडराइटिंग की कॉपी और सुधरे हुए हैंडराइटिंग की एक कॉपी जब हम रख देंगे या बीच वाला एक उसके पोर्टफोलियो में रख देंगे, हर बच्चा के पोर्टफोलियो में, तो हमको समझ में आएगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे इस बच्चे के हैंडराइटिंग में सुधार हुआ है। यही बात हो सकती है कि बच्चों के द्वारा लिखा गया कोई पत्र हो, बच्चों के द्वारा लिखा गया कोई ऐसे हो, बच्चों की के किसी विज्ञान या गणित के संबंध में उसके कुछ पहले की कापियाँ हो, ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं कि बच्चों में क्रमिक रूप से सुधार हो रहा है कि नहीं। इसी को हम प्रमाण कहते हैं और इन्हीं चीज़ों का संकलन एक बच्चे के संदर्भ में उसका पोर्टफोलियो है, उसके विशिष्ट गुणों का संकलन है, उसके क्रमिक विकास का संकलन है और टीचर भी एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करके अपने बच्चों के बारे में तरह तरह की चीज़ों का संकलन कर सकते हैं। बच्चों में भी हम आदत डाल सकते हैं डायरी लिखने की और अपने बारे में डायरी लिखने की। मैंने जो आकलन के संदर्भ में बात करी है आपसे, जिसमें हमने चर्चा करी है कि अपने मेटाकॉग्निशन को खुद ही रिव्यू करना, उसको उस पर रिफ्लेक्शन करना बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। एक बार वह डेवलप हो जाए तो फिर किसी और शिक्षक की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक योजना के तहत हम अपने में विकसित कर सकते हैं, इसके लिए योजना बना सकते हैं। पूरी दुनिया में अभी यह बात चलती है कि प्रमाण अधिगम, प्रमाण आधारित अधिगम, तो यह रिकॉर्ड या रजिस्टर या पोर्टफोलियो प्रमाण आधारित अधिगम के लिए बहुत आवश्यक है और हम अपने विद्यालयों में भी इसकी योजना बना सकते हैं। सर, हम आपके बहुत आभारी हैं। आज आपने हमें अधिगम योजना के अव्यय, अधिगम योजना क्या होता है, अधिगम योजना का पाठ्यपुस्तक पाठ्यचर्या और सिलेबस से किस तरह से संबंधित है, इसके अलावा आपने हमें मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधनों से अधिगम योजना किस तरह से संबंधित है और आपने ये बताया कि पोर्टफोलियो एवं रिकॉर्ड से अधिगम योजना कैसे संबंधित है और विद्यार्थी किस तरह से अपने अधिगम के रिकॉर्ड को अच्छी तरह से रख सकता है, जो कि प्रमाण आधारित पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। NIS के स्टूडियो में आने के लिए और अधिगम योजना पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।